अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी देख रहे हैं कि हम चल के जा रहे हैं, ये आज पूछते हैं कि हमारे प्यारे दोस्त उमर भाई की कारसानी है। आज हमें वैसे कोई टॉपिक तो नहीं मिल रहा था व्लाग बनाने के लिए, हम निकले तो घर से थे कि कोई व्लाग बना के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो रास्ते में जा रहे थे यार, उमर भाई की कारसानी हुई है कि ये देखिए उनका मंजर मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए उमर भाई साहब जा रहे हैं। उमर भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ये रोड की हालत देख लें, ये हम आपको रोड दिखा रहे हैं। ये इस रोड की हालत है कि बाइक पंचर हो गई है। ये अब उमर भाई देखें तो उमर भाई आप इसको किधर लेके जा रहे हैं? बेचारे की मरम पट्टी करवाने डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं। थोड़ा जोर लगा के है या आगे आगे चलते जाए ताकि बस हो गई। ये देखें अभी उमर भाई की सांस पूरी। तो ये कह रहे हैं कि आप ज़रा शहबाज मियाँ आप आए ना, आप ड्राइव करें तो मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। चलाओ चलाओ। मुंह में क्या डाला हुआ तूने? ये देख रहे ना, जोर सही लगेगा। ये मसवाक के बाहर है, साथ जा रहे हैं। वैसे भी खेतों में से गुजर रहे थे, मसवाक तोड़ लिया, सोचा कि साथ मसवाक भी करते जाए, इस तरह सुनते रसूल भी पूरी हो जाएगी। साथ ये देखो फिर डबल भाई पंचर है, ये पंचर बाइक के ऊपर बैठ कर ये चढ़ाई चढ़ा रहे जा रहा है। हालत उसकी आगे देखेंगे, टायर में हवा भी नहीं है। ये रोड की भी हालत देख सकते हैं आपके सामने ही। और ये भाई साहब अभी देखें कि पंचर बाइक के ऊपर बैठ के उसको चलाए जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा ज़मीनों का व्यू देते हैं। ये हमारे काश्तकार भाई अभी लगे हुए हैं ज़मीनों के ऊपर, ट्रैक्टर से हल चलाकर ये गंदम की बुआई कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस वक्त गंदम का सीज़न चल रहा है। अभी ये किसान लोग यहाँ पे गंदम बोएंगे। ये अभी सामने हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये लोग अभी गंदम बो रहे हैं। इधर हमारे उमर भाई साहब वो सामने जा रहे हैं, वो पहुँच चुके हैं चढ़ाई चढ़ के। क्या याद आ गया उमर भाई आज? ये हमारे भाई साहब जो है ना करंची से यहाँ आए हैं, चकवाल में शिफ्ट हुए हैं। तो कितना ये किलोमीटर चलने से बेहतर था गली के कोने से। अभी इनकी हालत ऐसी हुई है कि ये कह रहे हैं कि आज मुझे करंची याद आ गया। ये देखिए थक कर बैठ के है, गली के कोने में पंचर था और अभी 15 किलोमीटर चल के जाओ। फुल देसी माहौल, एम गंदम बीजी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये जो अभी शेवी ने अपनी साग बनाई है वो इसको क्या इसकी बनाई है। जब मेन रोड पे पहुंच गए और अभी भी बस चलने का ही है। ये तकरीबन तकरीबन कितना और चलना है भाई? कोई नहीं है, बस ये ही कोई 2 किलो। ये बस बस करके तू यहाँ तक लेकर आ गया, 4 किलोमीटर है, कोई नहीं है। तो मेरे दोस्तों अब आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है, ये कह रहा है बस 2-3 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ से कितना कुछ होगा दूर। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडा हो चुका है, तो चलने का मज़ा ही अपना है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज सुनिए आज की ताज़ा तरीन खबर कराची वालों के साथ। भाई हम कराची वालों का तो सही था, घर से निकलो गली के कोने पे दुकानें दुकानें, यहाँ तो मनुष्य की बच्ची दुकानें भी 2-15 किलोमीटर आगे जाकर। रास्ते में मूँगफली के दाने पड़े हुए हैं, ये मेरे ख्याल जो हल चलाया होगा। ये देखो मूंगफली के दाने रास्ते में पड़े हुए मिल रहे हैं, साथ से खाते जाए वो आगे भी पड़ा हुआ है। चल ये दोस्तों कोटले का पुल है, ये नीचे पानी खड़ा है इस तरफ। ये है छोटा सा पुल, पुल के अंदर पानी, कोटले की ये दूध ख़त्म हुई है, आगे होने वाला है कलियाल का रकबा शुरू। तो हम
तो हम भी दुकान के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। अभी उमर भाई भाग भाग के जा रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुकान उनको नज़र आ गई है, टायर वाली शॉप खुली हुई है। अभी टायर वाली शॉप पे पहुंच जाएंगे, पंचर लगवाएंगे बाइक को। उमर भाई तो कह रहे हैं कि आज बस करा दिए चला चला के। ये टायर वाली एक शॉप हमें मिली है, यहाँ से हम अभी पंचर लगवाएंगे। हाँ भाई उमर मियाँ, क्या हाल है? पहुँच गए और बस अभी ये ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, 10 या 20 मिनट लग जाएंगे। तो अभी क्या इसका पंचर लगवाना है या ट्यूब चेंज करवानी है? इसका मकसद मारी की जो है ना ट्यूब चेंज करा। ये देखें अभी भाई साहब ने टायर का काम स्टार्ट किया, अभी ये बाइक को खड़ा किया है। वो ठीक है नहीं है, ये मैंने बाई की थी नई ना, इसमें एक ही पंचर निकला था, उसके बाद ये मैंने रखा दी थी। ये है भी सर्विस की, इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। फिर भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, कोई काफ़ी दिन से रखी है ना ऐसा। ओए ये देखिए इधर हम बाइक का पंचर लगवा रहे थे, अभी ट्यूब चेंज किए। ये इधर एक शरारती बच्चा मिला है जो हमें मार रहा है, ये देखें। तो अभी रेडी है चले, तो अभी अपने दोस्तों से भी इजाज़त चाहेंगे। ठीक है दोस्तों को भी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।